गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे द स्टूडेंट्स एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर, नए सब्जेक्ट पर बात करेंगे। आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक, आज का विषय भाषा है। भाषा को मैं एक माध्यम का नाम दूंगा। आपको आगे चलकर वीडियो में पता चलेगा कि मैं इसे माध्यम क्यों कह रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे जो पढ़ाई है, इसमें भाषा का क्या योगदान है? आप जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पे मैंने हिंदी भाषा में ये वीडियो बनाई है। अगर आप लोग को हिंदी भाषा आती है तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, या यदि आपको हिंदी भाषा नहीं आती है तो आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत होगी। इससे आपको पता चल गया होगा कि हमारे ज्ञान के संचार में या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में या फिर अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने के लिए हमें जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम भाषा कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दो तीन प्रश्न देख लेते हैं जो भाषा से रिलेटेड है, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। भाषा क्या है? भाषाई ज्ञान क्यों आवश्यक है? भाषा के रूप क्या क्या हैं? शुरुआत कैसे करें तथा भाषा में अपनी पकड़ को कैसे मजबूत करें? तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा, भाषा क्या है, ये हमारे और आपके बीच एक माध्यम का काम कर रहा है, जिससे मैं अपनी बात को, ज्ञान को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। तो भाषा के रूप के बारे में बात करते हैं। भाषा के जो महत्वपूर्ण दो रूप हैं, एक है आपका लिखित, दूसरा है मौखिक। हम जो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी आपको दो माध्यम से समझ में आ रही होगी। इस पेज में कुछ लिखा हुआ है, ये आपका लिखित माध्यम हो गया है, और एक जो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ये आपका मौखिक माध्यम हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा भाषा के दो रूप के बारे में, पहला लिखित, दूसरा मौखिक। आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि भाषा को मैं माध्यम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि किसी भी दो व्यक्तियों के बीच ये एक माध्यम का काम करता है। किसके लिए? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए, अपनी ज्ञान का प्रसार करने के लिए या ज्ञान अर्जित करने के लिए भी जो हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है वो एक माध्यम की होती है, जिसे हम भाषा के रूप में जानते हैं। अगर मैं आपको कुछ ऐसी भाषा के बारे में पढ़ाना शुरू कर दूं या उसके माध्यम से पढ़ाना शुरू कर दूं जो आपको नहीं पता है, नहीं जानकारी है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। बोलने का मतलब है, मैं हिंदी भाषी हूं, आप भी हिंदी भाषी हैं, तो हम दोनों के बीच माध्यम क्या हो गया? हिंदी। अगर मान लीजिए कोई तमिल भाषी हैं और मैं हिंदी भाषी हूं और हम दोनों के बीच माध्यम बन नहीं पा रहा है, इसके कारण क्या होगा? ना तमिल भाषी बात मुझे समझ में आएगी, ना मैं हिंदी में कुछ बात बोलूँगा वो तमिल भाषी लोग समझ पाएंगे। इसका मतलब श्रोता और वक्ता के बीच भाषा एक माध्यम का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। भाषा के दोनों रूप, लिखित और मौखिक, दोनों में ही दो चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान है, पहला शब्द और दूसरा व्याकरण। उसी तरह से मौखिक रूप में अगर बात करें तो शब्द और व्याकरण। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चंस आ रही होगी या जिज्ञासा आ रही होगी कि आखिर शब्द और व्याकरण में का क्या योगदान है भाषा में, यानी भाषा में शब्द और व्याकरण का
क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले भाषा की मूल इकाई के बारे में बात करेंगे। तो भाषा की मूल इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। इंग्लिश में इसको लेटर्स बोलते हैं। आप लोगों का पता होगा इंग्लिश भाषा में 26 लेटर्स होते हैं, जिसको ए से लेकर के जेड तक हम लोग जानते हैं। उसी तरह से हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो वर्ण को हम लोग भाषा की इकाई भी बोलते हैं। भाषा की इकाई यानी भाषा की शुरुआत किससे होती है? वर्णों से होती है। तो दो वर्ण हो गए, एक स्वर्ण वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण आप लोग जानते होंगे अ से लेकर के अह तक, उसी तरह से व्यंजन वर्ण क से लेकर के ज्ञ तक, और दो और होते हैं अड़ा और अड़ा ड। जैसे हम लोग लड़ना, इसमें अड़ा आया, उसी तरह से पढ़ना, इसमें अड़ा। तो आप लोग ये दो चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो वर्ण को हम लोग भाषा की इकाई बोलते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी रूप है, यानी शुरुआत इसी से करेंगे, यानी इससे वर्ण को हम तोड़ नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। कुछ शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, कुछ वाक्यों से मिलकर के पैराग्राफ बनते हैं, कुछ पैराग्राफ से कविता या कहानी, और कुछ कहानियों का संग्रह को हम लोग एक किताब कह सकते हैं, और किताबों का जो संग्रहालय होता है उसे हम पुस्तकालय कहते हैं। इसका मतलब भाषा की शुरुआत वर्ण से, उसके बाद शब्द में, यानी कम से कम दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। उसी प्रकार से कुछ शब्दों के मेल को बने चीज़ को वाक्य कहते हैं। उसी प्रकार कुछ वाक्यों का सम्मिलित रूप पैराग्राफ कहलाता है। कुछ पैराग्राफ्स मिल करके एक कविता या कहानी या चैप्टर का निर्माण करते हैं। उसी तरह से कुछ कहानियों का संग्रह को बुक बोल सकते हैं, किताब बोल सकते हैं, और जहाँ पर किताबें होती है उसे हम लोग पुस्तकालय या लाइब्रेरी कहते हैं। तो ये आपको शुरुआत वर्ण से होगा किसी भी लैंग्वेज का। दो वर्ण आप लोगों को पता चल गया, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर और व्यंजन। चलिए आगे देखते हैं। शब्द, शब्द क्या है? शब्द दो या दो से वर्णों के मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। उसका एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, यानी उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, उसे ही हम शब्द कहेंगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं दो वर्ण को मिला दिए क और ख, कख, लेकिन इसका कुछ सार्थक मीनिंग नहीं बन पा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग शब्द में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सार्थक अर्थ निकले और भाषा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, यानी जो शब्द भाषा में अपना योगदान देता है, एक विशेष अर्थ देता है, उसे ही हम लोग शब्द कहेंगे, यानी किसी भी दो वर्णों के मेल को हम लोग शब्द नहीं कहेंगे। उसमें हम लोग एक चीज़ देखते हैं, विकृति या अपशब्द जिसको भाषा में शामिल नहीं किया जा सकता है, यानी हम लोग जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, लैंग्वेज की बुक्स या भाषा की बुक्स, हिंदी इंग्लिश की बुक्स, उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग शामिल उस वक्त बुक्स में नहीं कर सकते हैं, उसे अपशब्द या भाषा की विकृति कह सकते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग गाली गलौज को भी समझ सकते हैं। उसका कुछ अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन उसको हम लोग आम बोलचाल में, आम भाषा में, व्यवहारिक भाषा में उसका उपयोग नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। तो शब्द के बारे में आपको जानकारी हो गई। और व्याकरण, व्याकरण क्या करता है? यानी कोई भी भाषा, कोई भी माध्यम दो चीज़ों के मेल से बना है, शब्द और व्याकरण। शब्द आपको जानकारी हो गई, वर्णों के सार्थक मेल, जिसका एक
निश्चित सार्थक अर्थ निकले। और व्याकरण क्या करता है, व्याकरण क्या करता है, शब्दों को विशिष्ट पहचान दिलाता है। व्याकरण क्या करता है फ्रेंड्स, शब्दों को विशिष्ट पहचान दिलाता है, उसका एक विशेष पहचान दिलाता है, साथ साथ उसे वाक्य में एक विशेष स्थान दिलाता है। यानी किसी भी शब्द को हम लोग वाक्य में हर जगह उसको रख नहीं सकते हैं। कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा शब्द बाद में आएगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, व्याकरण करेगा, यानी ग्रामर। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर चार वाक्य लिखा हुआ है, इनमें से तीन व्याकरण के नज़रिए से गलत है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, आम खाता राम है, क्या आपको ये सही लग रहा है व्याकरण के दृष्टि से? नहीं, गलत है, तो इसे हम वाक्य के रूप में नहीं लेंगे। उसी तरह से खाता राम आम है, यह भी व्याकरण के दृष्टि से गलत है। आगे देखते हैं, है राम खाता आम, यह भी व्याकरण के दृष्टि से गलत है। और व्याकरण की दृष्टि से कौन सही है, तो राम आम खाता है, तो यह व्याकरण की दृष्टि से पूरी तरह से सही है। तो इसे हम क्या मानेंगे, एक वाक्य मानेंगे, सही वाक्य। तो यह कौन तय करेगा, व्याकरण तय करेगा कि कौन सा शब्द वाक्य में पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, यानी उसको एक विशेष स्थान और विशेष पहचान कौन दिलाएगा, तो व्याकरण दिलाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छी तरह से आज समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें तथा हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।